ओम शांति। मेरा नाम करण नेगी है। मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ और मैं यूके से आई हूँ उत्तराखंड, यहाँ दिल्ली में सेवा करने। और यहाँ मैं दिल्ली में इसलिए आई हूँ, यहाँ हमें भगवान भी पढ़ाते हैं और यहाँ हम एक जो अच्छी बात है, यहाँ दिल्ली में जो सेंटर है, यहाँ एक अच्छी बात है कि यहाँ बूढ़े भी पढ़ सकते हैं, जवान मतलब यहाँ से बड़े या छोटे कोई भी पढ़ सकते हैं। ये मेरे को बहुत ही अच्छा लगा यहाँ के इसलिए। और मैं आपको यहाँ से जो मैंने कहानी और कविता सीखी है वो मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं कितने साल ज्ञान में चली हूँ। मुझे ज्ञान में हो चुकी है 7 साल। और 7 साल का मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ, उसके बाद कविता। हर एक बच्चे का अपना एक सपना होता है कि वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या वकील बने। मेरा भी एक सपना है, पर उससे पहले मैं एक अच्छी इंसान बनना चाहती हूँ। इसीलिए मैं दो दो स्कूल में पढ़ने चाहती हूँ। एक स्कूल का नाम है राजकीय प्रमाथमिक पब्लिक स्कूल और दूसरे स्कूल का नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय। आपको पता है इस स्कूल का नाम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय नाम क्यों रखा है? क्योंकि यहाँ पढ़ाने वाले स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। यकीन नहीं होता पर क्यों? भगवान ने तो अपना वायदा किया था कि जब जब धरती की गुलामी होगी मैं तब तब आऊँगा। एक पल के लिए अपने दिल पर हाथ रखे और महसूस करे, बच्चे बुला रहे हैं, बाप ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? अब मैं आपको अपनी कविता शेयर करना चाहती हूँ। कॉपी बस्ता और कलम ले हम पढ़ने जाते हैं, हमें भगवान पढ़ाते हैं, हमें भगवान पढ़ाते हैं। देह नहीं हम हैं भी देह यही समझाते हैं, हमें भगवान पढ़ाते हैं, हमें भगवान पढ़ाते हैं। आसे आत्मा बासे ब्रह्मा दोनों बिंदी बिंदी, ना किया कोई फर्क किसी मुस्लिम हो या हिंदू। बैठ सामने ज्ञान सुनाते हैं, हमें भगवान पढ़ाते हैं, हमें भगवान पढ़ाते हैं। मीठे बच्चे कहकर हम